ये है 3 साल की लड़की का फ्रॉक। ये फ्रॉक हमने 2 रंग की ऊन से बनाया हुआ है। इसमें 300 ग्राम ऊन लगी है। नीचे से ऊपर तक बनाने में पूरी 300 ग्राम की ऊन लगी है। सबसे पहले कि इसमें हमने यहाँ से ये चोली बनाई थी, यहाँ से हमने ये चोली बनाई थी। यहाँ इसमें यहाँ से चारों तरफ लेकर हमने 70 फंदे करे थे। 70 फंदे की चेन बनाई। चेन बना करके 12 फंदे इसमें रखे, 12 इधर और 12 12 फंदे हमने बाजू में। यहाँ हमने एक में 4 बार कर रखी हैं और पीछे 25 फंदे करे हैं। इस तरह ये 4 5 भागों में बटा था। धीरे धीरे इससे ये चोली बनी है। हमने यहाँ तक ये चोली बनाई है। बाजू के फंदे हमने रोक दिए। फिर यहाँ तक हमने ये 4 सिलाई 4 लाइन दूसरे से करी है। फिर इसमें हर ये चार चार लाइन छोड़ करके इस तरह हमने ये डिजाइन डाला है। एक छेद में 6 बार करना है। एक छेद में ये 6 बार करना है। ये चैन लेनी है। फिर ये 1 बार करना है। इस तरह ये डिजाइन हमने इसमें बनाया है। ये पूरा नीचे तक इसी तरह बनाते जाना है। नीचे हमने घेर बनाया है, झालर बनाई है। ये झालर बनाने के लिए हर इसमें हर एक फंदे में दो दो फंदे खड़े हैं। दो फंदे लो, ये 3 फंदे। इस तरह पूरे पहली पहली लाइन में दो दो फंदे खड़े हैं, तो दूसरी में एक एक करके इस तरह हमने ये झालर बनाई है। ये बाजू करेंगे हमने। बाजू झालर बनाने के बाद फिर यहाँ से बाजू करें। बाजू में भी हमने यही वाला डिजाइन डाला है। इस तरह हमने बना करके छोटी और यहाँ ही बॉर्डर बनाया है। रोशे से ही हमने ये बॉर्डर करा है। 2 फंदे पीछे से और 2 फंदे आगे के लेकर के। ये बॉर्डर किस तरह लिया जाता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ये बॉर्डर कैसे बनाया है। ये अलग से ये फिर हमने ये घेर बना करके इसमें ये फूल बनाया अलग से और ये लेस बनाई है। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि ये फूल कैसे बनाया हमने और ये लेस कैसे बनाई थी। ये डिजाइन हमने इसी तरह एक एक घर में 6 बार करना है। ये 6 बार लेके के इस तरह ये डिजाइन भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह हमने ये डिजाइन बनाया हुआ है। ये डिजाइन, ये फूल और ये लेस अगली वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। इसके बाद ये हमने ये टोपा बनाया है। शुरू में यहाँ हमने फंदे डाले, इसमें 60 फंदे डाले थे। 60 फंदे डाल के 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। इस तरह ये हमने इतना तो चौड़ा सा बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बना के फिर ये हमने डिजाइन डाला है। ये डिजाइन भी ये फ्रॉक में जो डिजाइन डाला है वही ये फ्रॉक में बना है। ये सबसे इतना बुनने के बाद फिर सबसे ऊपर ये सुई से सब एक साथ करके ये झालर लगाई है। सब